रेडी है रेडी माय माय दादा सचिन दादा मेकअप स्कूड रे मेकअप स्कूड नहीं है हेयर स्कूड 30.35 सेकंड चलोamina start आइए व्हाट चलो अभी नाउamina start कैमरा पर ब्लू पर अनुराग सबसे पहले तो वेलकम बाहर आ गए हो रेडी सो अनुराग ये जानना चाहेंगे बिग बॉस ने डे वन पर ही बोल दिया था कि मैं बायस रहने वाला हूँ टुवर्ड्स पीपल हु कंट्रीब्यूट फॉर माय शो So, uh, जब, जब ये शो शुरू हुआ था तो यू you नो know, एक चीज में बोलना चाहूँगा कि बायसनेस और अनफेयर में ना बहुत डिफरेंस होता है जब ये शुरू पहले हफ्ते में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने अब तक बिग बॉस को एक रियलिटी शो के नाम से जाना गया है एंड लोगों का एक विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रियलिटी दिखाई गई है लोगों की अब तक के जितने भी सीज़न गए हैं उनमें जो रिश्ते बने वो बहुत ऑर्गेनिकली बने किसी का कोई यू नो लव एंगल बनाए या फिर किसी को किसी के लिए फ़ीलिंग्स थी तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है बट इस सीज़न जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो उस सीज़न में हमने मैंने वो आवाज़ उठाई थी फॉर माए पॉइंट कि क्या ये कपल शो है उस पॉइंट से यू you नो know, मुझे वो मुझे वो फॉर्मेट नहीं पसंद था जो मुझे दिख रहा था उस टाइम पे मैंने जो फील करा मैंने वो सब लोगों के सामने कॉल आउट करा वो चीज़ अगर आपने वो ट्वेंटी फोर सेवन वाली लाइव स्ट्रीम्स देखी है ना जो मेरे जो मेरे कट्टर सेना ने या जो मेरे फैन बेस चौबीस सौ घंटे मेरे लिए देखते रहते थे मेरे को तो आपने फॉर श्योर मैं वो जर्नी देख कर के आऊँ मैं वो जर्नी जी कर के आऊँ कि मैंने अपना थाउजेंड परसेंट दिया है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद ऑन एयर पर नहीं गई हैं एक वॉक ऑफ शेम करा था मैंने वॉक ऑफ शेम मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शो के ख़िलाफ़ ये चीज़ बोल दी थी कि आ, शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है आ, श, क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है क्या ये नाचने का शो है अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो कपल फॉर्मेट यू नो कहीं ना कहीं कही, सपोर्ट करते हैं उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एयर गई नहीं ईवन अभी जो आपकी फ़ोटर्निटी है उनसे ही मुझे फीडबैक मिला है इवन मेरे पास अब फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है मुझे पता लगा यू नो जो जो मेरे ट्वेंटी फोर सेवन के जो लाइव स्ट्रीम्स थे दो दो तीन तीन चार चार घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट यू नो टैक्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं इस फोटर्निटी के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए इन बीस मिनट पच्चीस मिनट के इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूरी स्टोरी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने वो तीन महीने में क्या फ़ील करा है तो मेरे पास उन तीन महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की शायद वो उस तो एंगल से कभी दिखाई नहीं गई मैंने एक लाइन बोली थी और कि हम लोगों को कभी ना एज अ विनर नहीं दिखाएंगे उस पूरे बिग बॉस के सीज़न में ये सब के सामने प्रूफ है कि आप वो सीज़न उठा के देख सकते हैं केवल एक एक एक्टिविटी थी आपको याद होगा जब यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी वाले का एक्टिविटी हुआ था जिसमें मैंने ईशा के खिलाफ एक टास्क परफॉर्म करा था एक वो एक्टिविटी और एक थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की एक्टिविटी जहाँ पर मेरे को जस्ट सिल में बुला करके एक एक्टिविटी करवाई थी मेरे पूरे सीजन में उस बिग बॉस की तरफ से मेरे को केवल दो बारी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए जहाँ पहला मेरा परफॉर्मेंस था इंडिविजुअल लेवल पे मेरे से मेरे मेरे को जितना परफॉर्म करना आता था मैंने परफॉर्म किया एंड आई वन अगर आपको परफॉर्मेंस करने का मौका आपको परफॉर्म करने का मौका ही ना दिया जाए तो आप अपनी काबिलत कैसे साबित करोगे आज शायद 108 कैमरा मौजूद नहीं है बट फिर भी ये 108 कैमरास उस शो के अंदर मेरी वो रियलिटी नहीं जस्टिफाई करा पाए जो इतने कैमरास इस शो के अंदर है, जो एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा पा रहे हैं शो के अंदर एक बहुत मेन चीज़ थी जो चली थी जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चली थी आज की डेट पे सब लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे यार कि शो कहीं ना कहीं बायस था शो ने कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का यू you नो know, मुशायरा कराया उन लोगों के लिए स्टैंड अप करवाया उन लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस करवाया उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें करवाई जो लोग उनके फेवरेट थे मुझे था कि मैं वीक वन से किसी का फेवरेट नहीं था एंड मैंने अगर मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। मैंने हमेशा उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है जो मुझे गलत लगी है। मुनावर ने जब वो आयशा के लिए एक यू you नो know, जो भी उसने आयशा के साथ किया एक लड़की के लिए किया पूरे घर में मैं ही वो क्योंकि अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जा के काउंटर करा था कि भाई तू एक नेशनल टेलीविजन के एक नेशनल टेलीविजन पे तू तो एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है इतना सब कुछ किया तो उन्हें नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा जस्ट फॉर गेम पॉइंट ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके आयशा हम सबको पता है जब शो पर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुनावर को एक्सपोज़ करूँगी आर्काइव रूम में जो बातें भी वो हमने नई एज आ घर वाले हमें नहीं पता लगी कि वो आर्काइव रूम में क्या बातें थी बात कर देते हैं बायसनेस की तो बायसनेस फिर भी जस्टिफाइड है बट जहाँ अनफेयर आ जाती है मेरे पास सेट एग्जाम्पल्स हैं कि वो क्या क्या हुआ है शो में आपको याद होगा मेरा एक यू नो कन्फेशन रूम में एक डिस्कशन uh, uh, हुआ था बिग बॉस के साथ वो डिस्कशन पूरे घर वालों को चौक में बिठा करके दिखाया गया था बट क्या आज तक मनारा का जो कन्फेशन रूम में डिस्कशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप सब लोगों को दिखाया गया है जो मुनावर का डिस्कशन था वो सब कुछ आपको दिखाया गया है तो हम बींग अ पार्ट ऑफ द गेम कहीं ना कहीं हमें वो उस गेम में वो इन्वॉलमेंट ही नहीं मिली हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है आज मैंने वो क्लिप्स देखे हैं तो मुनारा को आ, मनारा को कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली दोस्त किससे दोस्ती रखनी है किससे दोस्ती नहीं रखनी है। मनारा को ये चीज़ अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहे कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक दोस्ती थी कहीं ना कहीं वो एक सच्ची दोस्ती थी जो लोगों को पसंद आई है उस चीज़ के लिए भी बिग बॉस ने एक चीज़ बोली गई है आपको देखना पड़ेगा कि आपके सगे कौन है एक मेरे पास ऐसे लाखों एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर कॉर्नर साइड लाइन करने की कोशिश करी गई क्या आपको लगता है कि मैंने वो तीन महीने कुछ नहीं बोला होगा या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा मैंने हर एक चीज़ परफॉर्म करी है वो ट्वेंटी फोर सेवन की लाइव सीन में वो क्लिप्स हैं बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ इतना सब कुछ बोल रहा हूँ बट उसके बावजूद भी लोग आकर के मेरे को ये बोलते थे कि यार कि तू कुछ नहीं कर रहे हैं घर के बाहर लोगों को दिखाए आप में से बहुत सारे लोगों ने आकर के बोला कि यू नो स्टार्टिंग में अनुराग यू केम आउट जो मेरे साथ चार हफ्तों के साथ पाँच हफ्तों के साथ वो जो ब्रोसेना वाला पॉइंट हुआ था सलमान सर को लेकर के एक थिन लाइन होती है एक जोक में और एक मौकरी में मैं उस शो पर जब पहुंचा था ना तो मुझे उस शो ने बाबू भैया मेरा असली नाम अनुराग डोभाल है बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था मुझे मेरी ब्रो सेना ने मेरी कम्युनिटी ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया था और मुझे अगर उस प्लेटफॉर्म पे लगा कि वो मौकरी हो रही है तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली ये चीज़ सबके सामने रखी कि बिग बॉस प्लीज़ आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है वो आप मुझे दे सकते हैं बट अगर आप मेरी ब्रोसेना को लेकर के उनकी नौकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत हम्बली नहीं पसंद और मैंने हाथ जोड़ करके ये कन्फेशन रूम में बोला भी था बिग बॉस को बट उसके बावजूद वॉट आई फील लाइक कि बायसनेस में और अनफेवर यू you नो know, फेवरेटिज़म में और अनफेयर होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जिसके कारण जो ये मैं आज अगर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ ना मैं इतना डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ कि जनता इतना प्यार करती है कि कभी बिग बॉस को ये पता था कि मैं कभी उससे बाहर नहीं आने वाला हूँ तो ये पहला षडयंत्र जो रचा गया था वो ईशा के वाले टास्क वाले टाइम रखा गया था उस चीज़ के लिए भी मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ जब आपको याद होगा जब मैंने वो बोल फोड़ा था इमोशनली मैं बहुत हाई था उस टाइम पर क्योंकि किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ चीज़ बोली थी मैंने किसी का गला पकड़ लिया मैं रियल लाइफ में शायद वो इंसान नहीं हूँ कि जो इतना इमोशनली हाई हो जाए क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज़ को बहुत ईज़ी तरीके से डिफेंड कर सकता हूँ बट जब नेशनल टेलीविजन पर कोई ये सारी चीज़ें करेगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं था माई होल पॉइंट ऑफ सीइंग इज़ दैट कि अनफेयर हुआ प्लान डिविक्शन था मेरे को निकाला गया

और दूसरी बात आपने कम्युनिटी की मैं आपको बात करूँ तो आपने शुरुआत में कहा था कि हम तीन यूट्यूबर्स पर जोकर रह तो गए जब हम लोग एक कम्युनिटी का नाम लेते ना तो आप वाली बात बिल्कुल आ, आपका क्वेश्चन क्या था कपल वाली सिंगल था ये पता आपको जब हम लोग मैं शो में जा रहा था तो बहुत सारे लोगों के नाम आए थे आ, कि यार ये लोग भी जा रहे हैं ये लोग भी ऐसा होगा वैसा होगा उस टाइम हम लोग को मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं जिस जिस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जिस चैनल के साथ मेरा वो शो था मेरे को वहाँ से कुछ ये फीडबैक नहीं था और मैं पॉइंट ऑफ व्यू किस पे भरोसा करूँगा जिस चैनल के साथ मैं एसोसिएट होने जा रहा हूँ अगर मैं आपके साथ काम करूँगा तो मैं आपकी बात पर विश्वास करूँगा इस इंडस्ट्री में रोज़ ऐसी अफवाहें उड़ती हैं जिन पर शायद हम लोग विश्वास कर सकते हैं और नहीं कर सकते कर दिया था? Uh, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना मैम तो उसमें एक एन भी रहता है तो जिसके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ये चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि आप बाहर थे मैं मेरे को ये चीज़ें नहीं पता थी क्योंकि मैंने Yes. एक तो घर में जाने से पहले साइन होता है जी, बिल्कुल. और उसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन होती है आपको सिंगल आ, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा अगर वो भी न्यूज तो जब से बिग बॉस की जब न्यूज आई थी कि 17 सीजन आने वाले महीने से चल रही थी सिंगल होने है जबकि आपका नाम बहुत एंड मोमेंट में भाया है कि यूके राइटर्स घर में बिल्कुल मैं मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है बट ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस चैनल के साथ मैं वो काम कर रहा था मैंने उनसे पूछा भी था तो दे डेंड आंसर में मैंने मैं जिसके साथ काम करूंगा और मैं उनसे भी वो क्वेश्चन पूछूंगा और वो मेरे को मना कर देंगे तो मेरे को आइडिया नहीं था डे एंड तक कि हाँ मुझे पता था कि कुछ कपल्स आ रहे हैं बट ये चीज़ को मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा स्टार्टिंग में मैंने चीज़ बोली थी कपल शो है इस बारी के बिग बॉस सीजन 17 में शुरू से एंड तक लेकर के लोगों के कपल्स ही घसीटे गए हैं चाहे वो ईशा हो चाहे वो मुनावर हो चाहे वो आयशा हो कहीं ना कहीं शो में यू नो you know, मुनावर और मनारा का भी आ... एक एंगल दिखाने की कोशिश करी गई थी इवन मुझे बाहर आकर के पता लगा कि मेरा और मनारा का भी कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग में एक एंगल दिखाने की कोशिश करी थी जबकि मैंने डे वन पे चीज़ बोली थी कि मैं कमिटेड हूँ वो दिखाया नहीं दिखाया बट मैंने बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर है वो न्यूज़ भी बहुत बाद में अभी के हिसाब से मुझे पता है कि वो बहुत लेट टाइम में आई थी वो पता है कब बाहर आई थी जब भारती जी शो में आई थी तो भारती जी ने एक बोला था बाहर उम्मीद है तो शायद वो तब जस्टिफाई हुई थी कहीं ना कहीं देर मुझे अब पता लग रहा है कि मेरा और मनारा का वो एंगल दिखाया गया जबकि मैं डे वन से मेरा और उसके दोस्ती का जो, जो जोन था वो बिल्कुल क्लियर था also, जब मैंने वो कम्युनिटी वाली बात कही थी ना तो आपको ये बात भी याद होगी कि अंकिता लोखंडे जी ने एक बात कही थी उस प्लेटफॉर्म पर कि तुम लोगों को हमारी वजह से शो में दिखाया जा रहा है और ये बिग बॉस शो हमारा है ये नेशनल टेलीविजन पर बात है मैं अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि मैं टी इंडस्ट्री में कोई शो कर रहा हूँ ये मेरा पहला शो था मैं अगर एक दूसरी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में आया हूँ एंड मैं आप अगर मैं उस दुनिया में जा करके बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने गया हूँ और आप ये बोलोगे कि धट यार तू यहाँ के लिए तेरे तू यहाँ पर आए तो यू you नो know, तू हमारी वजह से दिख रहा है बहुत हर्टफुल फील होता है यू नो बहुत बुरा लगता है यार कि मैंने भी अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ कमा के तो आया हूँ तभी मुझे मेरी दुनिया से यहाँ पर बुलाया गया है टॉकिंग अबाउट कम्यूनिटी मैंने ये चीज़ बोला था कि यू you नो know, हम लोग हम लोग यहाँ पर पहुँचे मैंने स्पेसिफ़िकली ये इंटरनेट होगा वीडियोज़ में कि मैं यहाँ पर अपनी मेहनत पर पहुँचूँ अपने दम पर पहुँचूँ एंड जब आप एक कम्युनिटी को मैं अपनी कम्युनिटी का मैंने एक स्टैंड लिया हमेशा अपना स्टैंड लिया हमेशा उस कम्युनिटी वो बोलते हैं ना कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं जो अच्छे लोग थे एलविश भाई उन्होंने आज भी मेरा साथ दिया आप ही लोगों ने मुझे चीज़ बताई है अच्छे बुरे लोग हर जगह रहेंगे आपको गिराने वाले लोग बहुत जगह रहेंगे जब आप अच्छा कर रहे होगे ना जिंदगी में तो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम आएंगे बट जब आप गिर रहे होगे ना जिंदगी में तो दस लोग और उठ करके आएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए कि तू गिर रहा है ले मैं वो ग्यारहवां इंसान बनता हूँ जो तुझे तेरी जगह दिखा रहा है बट फॉर मी मेरे लिए मेरी जगह मुझे पता थी और मेरी कम्युनिटी मतलब मेरी कम्युनिटी यूट्यूब है और वो भाईचारा दिखाए कि जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है ना तो सब उस पर उंगली उठा रहे होते हैं जब मैं बीच में उस जोकर वाले फेस से गया मैंने वो मीम्स देखे आज पूरा भारत कोई भी मेरे को आकर के बोल रहा है भाई तू अच्छा खेला बट बीच पे कहीं ना कहीं वो जोकर को लेकर के लोग मेरे पे मीम उठाते थे कि भाई क्या बोल रहा है ये शो बाय है आज इस चीज़ से लोग अग्री कर रहे हैं फ़र्क केवल वक्त का पड़ता है उस टाइम मेरा बुरा वक्त था तो लोगों ने मुझे ट्रॉल करा आज मेरा थोड़ा सा अच्छा वक्त है तो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तू सही खेला भाई कहीं कहीं ना ऐसा लग रहा था बाहर से एलबिश जैसा जीत कर फैन कर उनकी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से वाइल्ड कार्ड एंट्री आकर एक हिस्ट्री बनाकर और आपकी एंट्री होना तो लोगों को यही लग रहा था कि आप जीतोगे और आप खेलोगे बट आपका गेम कहीं ना कहीं दिखा नहीं और जब आप अंदर गए और जब बायस ने इसकी बात हुई कि बिग बॉस बायस डे और आपने अपना जब ओपिनियन रखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था आप बस बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट हो और आपको गेम नहीं खेलना है अपने अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की यू नो कोशिश ही नहीं

कहीं you know, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ उस घर के अंदर भी 108 सौ कैमराज थे और आज ये वाले कैमराज हैं जो मेरी पर्सनालिटी दिखा रहे की जो मैंने चीजें रखी है टॉकिंग अबाउट आप आ, फैन बेस को लेकर के घर के अंदर बहुत सवाल उठे कि मेरा एक फैंडम था तो मुझे था कि कही कहीं ना कहीं वो जिता देगा मुझे आपको पता है इस बारी का जो सीज़न था ना उस सीजन में सब लोग एक प्लस पॉइंट लेकर के आए थे अंकिता जी टीवी का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी मुनावर शायरी का एक्सपीरियंस लेकर के आया था खानजादी रैपिंग का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी तो जब आप उनके प्लस पॉइंट पर सवाल नहीं उठा रहे कि भाई तू ये पहले से क्यों लेकर के आया तू शो में ये मत कर तू भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करके कर दिखा क्या लोगों ने उस उनके टैलेंट पे या जो चीज वो प्लस लेकर के आए थे बाहर से क्या लोगों ने उस पर सवाल उठाए नहीं ना उठाए क्यूंकि मैंने जो क्लिप्स देखी हैं उसमें बेशक आपने पूरे घर वालों को, कर, ब्रो सेना को कर, बात बात है, ये है, है। बात करते हुए सुना होगा कि इसका बहुत बड़ा फैंडम है और आप बात कर रहे हैं टैलेंट शो की तो ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं था जहाँ पर मुझे जा करके अपना नाच करके टैलेंट दिखाना था मुझे अपनी पर्सनैलिटी दिखानी थी और मैंने मुझे मेरी पर्सनैलिटी मैं आपको आज ये डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ज़िंदगी में जहाँ पर मुझे चीज़ें गलत दिखेंगी तो मैं डंके की चोट पर बोलूँगा पता है बहुत मुश्किल होता है उस शो पर उस शो को चैलेंज करना जब आप उस शो के फॉर्मेट को चैलेंज करते हो ना कि बिग बॉस अनफेयरनेस दिख रही है ये चीज़ के लिए आपको एक इंसिडेंट याद होगा कि यू you नो know, जब अंकिता जी को बाहर की एक इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उस चीज़ पे किसी ने सवाल नहीं उठाए थे घर के अंदर से क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता था कि कहीं ना कहीं बिग बॉस की फेवरेट है अगर हम इसके खिलाफ़ जाएंगे इसके खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लपेटे में लिया जाएगा मन आ रहा ने मेरे को पर्सनली ये चीज़ बोला है कि उसको शो मेकर्स की तरफ से कन्फेशन uh, रूम में uh, एक लाइव स्ट्रीम भी uh, हुई थी